नमस्कार, अन्नपूर्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो मात्र 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और ये मात्र दो चीज़ों से बनके तैयार होती है, ये है आटा और यह है गुड़। आटे को मेजरमेंट करने के लिए मैंने ये कटोरी ली है। इससे मैंने 3 कटोरी आटा लिया है और ये है गुड़। गुड़ मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इस डिश की खासियत यह है कि ये बनके तो तैयार जल्दी होती है, पर इसको काली माता को भोग भी चढ़ाया जाता है प्रसाद बना के। और जितनी 2 गिलास दूध पीने से ताकत मिलती है, उतनी इसको एक बार खाने से ही मिलती है। और जब हमारे यहाँ जौनसार में औरतों की डिलीवरी होती है तो ये डिश बना के इसी का सेवन कराया जाता है। और ये डिश हमारे जौनसार में खिंडाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वाल में जैसे बाड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ खिंडाड़ी बोलते हैं। आप चाहो तो इसे आटे का हलवा भी कह सकते हैं। तो आइए ये डिश बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और ये गर्म हो चुकी है। इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी आटा लिया है, तो इसी से मैं 4 कटोरी पानी ले रही हूँ। 1 कटोरी में एक्स्ट्रा ले रही हूँ पानी की, यदि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो उसी को हम यूज़ करेंगे। इस पानी को हम उबलने देंगे, उसके बाद गुड़ डालेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, ये गुड़ हम इसमें डाल देंगे। अब इस गुड़ को हम पूरा मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट नहीं हुआ तब तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया है। ये डिश बहुत स्वादिष्ट बनती है और कम समय में बनती है। ये देखिए गुड़ पूरे तरह से पानी में घुल चुका है। अब इसमें हम आटा डालेंगे। गैस की फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसको धीरे धीरे हम इसी तरह चलाएंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये खाने में बहुत बेकार लगेगा। ये देखिए इसी तरह इसको आप चलाते जाइए, जो इसमें एक भी लम्स ना पड़े। जब तक इसमें एक भी लम्स ना दिखे तब तक इसको इसी तरह चलाइए। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको बार बार ऐसे ही चलाते रहिए। अभी इसमें थोड़ा और ज़रूरत है इसको पकाने के लिए। इस खिंडाड़ी में मैं 1-2 चम्मच घी की डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो नहीं डाल सकते। यकीन मानिए जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है, और ख़ास करके सर्दियों में। और इसको गर्म ही गर्म सेवन
करने में तो और ही कुछ मज़ा है। ये हमारे जौनसार की फेमस डिश है। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए खिंडाड़ी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे और घी के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। ये मैंने घी वाली चम्मच ली है, इससे प्लेटिंग करने के लिए सही रहेगा। ये देखिए इसमें अब हम घी डालेंगे और इसको घी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है ये वाली डिश। हमारे यहाँ इसको ज़्यादातर ठंड में बनाई जाती है। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।